अल्टर नेक देखा है उसे बनाने के लिए नीचे हमने बैक साइड के लिए कपड़ा बिछाया है और ऊपर हमने फ्रंट के लिए कपड़ा बिछाया है। तो यहाँ पे आपने देखना है किस तरीके से हमें अल्टर नेक की कटिंग करनी होती है और किस तरीके से स्टिचिंग करनी होती है। सबसे पहले हम ऊपर की साइड यहाँ पे एक सीधा निशान लगा लेंगे। इसके बाद हमें अल्टर नेक बनाने के लिए एक निशान लगाना होता है 3.5 इंच का। यहाँ पे 3 1/2 का हमें ये निशान लगाना है। इसको भी हम आगे तक यहाँ पे बढ़ा लेते हैं इस तरीके से। और इसके बाद आपके नॉर्मल जो निशान होते हैं उस हिसाब से आपने निशान लगाते जाना है। जैसे हमें हाई नेक यहाँ पे कुर्ती बनानी है, जो अल्टर नेक होता है वो हाई नेक में आता है, तो यहाँ पे 7.5 इंच तक हम आर्मोल रखेंगे, कमर 14 इंच पे रखेंगे और हिप यहाँ पे 21 इंच पे रखेंगे। सभी निशानों को इनको भी हम आगे तक बढ़ा लेते हैं। सभी निशान हमने बढ़ा लिए हैं। अब ऊपर से रखना है हमें यहाँ पे 18 इंच, तो हम 9 इंच पे निशान लगाएंगे। कमर रखनी है हमें 16 इंच और हिप रखनी है 19 इंच। तो इस तरीके से नॉर्मल आप यहाँ पे सभी निशान लगा लें। तो ये तो हो जाते हैं हमारे सिंपल जो नॉर्मल निशान लगते हैं ये वाले। इसके बाद हमें यहाँ पे ये हमारा शोल्डर का निशान आएगा, ये वाला, ये ध्यान रखना है शोल्डर का निशान आएगा। तो जितना भी आपका शोल्डर है उस हिसाब से यहाँ पे रख ले। हम यहाँ पे 15 इंच रखेंगे, 15 इंच, 7.5 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ पे भी 7.5 पे लगाएंगे, अंदर 1.25 इंच पे निशान लगाएंगे। इस निशान को हम इस तरीके से यहाँ पे मिला लेते हैं और यहाँ पे देंगे गोलाई। बैक साइड का जो निशान लगेगा हमारा वो भी नॉर्मल लगा लेते हैं जैसे हम हर कुर्ती में लगाते हैं। तो ये फ्रंट बैक के निशान लग चुके हैं। अब यहाँ पे देखना है ब्रॉड लेंथ हमें, जैसे यहाँ पे 3.5 इंच रखनी है और शोल्डर को डाउन कर लेना है इस तरीके से। तो ये देखिए सभी निशान जो है हमारे नॉर्मल लग चुके हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे सभी निशान जब नॉर्मल लगा लिए हैं उसके बाद हमें जो हल्टर नेक की कटिंग करनी है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे ऊपर की साइड ये देखिए 3.5 इंच का हमने निशान लगाया है लेंथ में, और इस तरीके से हमने यहाँ पे लगाना है 3.25 इंच। ऊपर भी 3.25 इंच लगाएंगे और इस निशान को आपस में ऐसे मिला लेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ आपका ये जो बॉक्स बनेगा यही हमारी हल्टर नेक की शेप डालेगा, बाकी कटिंग हमारी सेम रहती है, यही हमें चेंजिंग करना होता है। तो यहाँ से सबसे पहले हम इस बॉक्स को कटिंग कर लेते हैं इस तरीके से, और यहाँ पे हमारी इस पॉइंट पे ये कटिंग आ जाएगी। तो ये देखिए ये कटिंग हो चुकी है। इसके बाद आप जितना ऊपर की साइड यहाँ पे 0.25 इंच बैक साइड को बढ़ा के कटिंग करना है, और यहाँ से हमारा ये वाला पार्ट सीधा आएगा। तो इस तरीके से हमने बैक की जैसे नॉर्मल कटिंग करते हैं वैसे ही यहाँ पे कटिंग कर लेनी है, और आगे की साइड हमारा नॉर्मल यहाँ पे कटिंग हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे गहराई दे लेंगे फ्रंट की। तो ये देखिए हमने कंप्लीट निशान यहाँ पे लगा लिए हैं। अब हमें यहाँ पे कटिंग करनी होगी पेपर पेस्टिंग में। तो यहाँ पे हमने पेपर पेस्टिंग ली है, इस तरीके से इसको डबल कर लिया है। साइज की बात करें तो डबल करने के बाद यहाँ पे हमारा ये 10 इंच का है। सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना होगा, जो हमारा यहाँ पे ये वाला बॉक्स है ये हमें यहाँ पे तैयार करना है। तो 3.5 इंच हमने ऐसे लिया है और 3.25 इंच इस तरीके से लिया है। तो यहाँ पे बॉक्स हम बना लेते हैं सिंपल ऐसे ही, ये हमने बॉक्स बना लिया है। इसके बाद हमें यहाँ से लेंथ देखनी है, जितना भी आपको लेंथ रखनी है। जैसे मैंने यहाँ पे 7.5 इंच रखनी है, 7 इंच, 7.5 इंच, 8 इंच, जितना भी आपका नेक का नाप हो उतनी लेंथ के अनुसार आप यहाँ पे निशान लगा लिया। और यहाँ पे भी हम इस तरीके से ये बना लेते हैं बॉक्स, और नीचे की साइड आपको जैसी भी शेप डालनी हो वैसा यहाँ पे निशान लगा लें। तो मैं यहाँ पे 3.5 इंच का निशान ये लगा लेता हूँ। और इस निशान को हमें कैसे मिलाना है, यहाँ पे देखिए ये हमने लगाया है 3.5 इंच पर, और ये वाला लगाया है 2.25 पर इस वाले पॉइंट का, और ये लगाया है हमने यहाँ पे 3.5 इंच पर। इन चीजों को आप यहाँ पे ध्यान रखें। तो इसके बाद जो हमें शेप डालनी है यहाँ पे पहला ही निशान लगाएंगे हम 0.25 इंच पर, ये हमने 0.25 इंच पे लगाया है, और इस निशान को हम यहाँ पे इस तरीके से जोड़ लेंगे, ये हमने यहाँ पे ऐसे जोड़ लेना है।
और इसके बाद जो भी आप यहाँ पे शेप डालना चाहते हो उस तरीके की शेप डाल सकते हो। जैसे हम यहाँ पे स्वीट हार्ट डालते हैं तो इस तरीके से हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे। अगर यहाँ पे आप कोई और शेप डालना चाहते हो तो इस तरीके से आप यहाँ पे वो भी शेप डाल सकते हो, वो आपकी इच्छा है। मटका शेप भी डाल सकते हो, जो भी आपको पसंद हो वो वाली शेप यहाँ पे डाल लें। और इस निशान को हमें यहाँ पे इस तरीके से लेकर के आना है इस पॉइंट, ये देखिए इस पॉइंट पे हम ले आए हैं। तो यहाँ पे ये वाला जो आप ग्रे कलर वाला निशान देख रहे हो ये हमारा मेन रहेगा। तो यहाँ पे हम नीचे की साइड मार्जिन ले लेते हैं आधा से पौना इंच का, और ये मार्जिन हमारा यहाँ पे बढ़ जाता है। तो यहाँ पे हमें कितना बढ़ाना है, जो हमारा ये पौने तीन इंच वाला निशान है यहाँ से हम तकरीबन आधा इंच पे ये निशान लगा लेंगे, और यहाँ पे जाएगा ये हमारा सेम इतना ही पौना इंच। तो यहाँ से हम इस निशान को भी इस निशान पे जोड़ लेंगे और यहाँ से सेब आएगी हल्की सी इस तरीके से, ये वाली। अब हमें इन्हीं निशानों के ऊपर यहाँ पे कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए ये नेक हमारा यहाँ पे कुछ इस तरीके से रेडी होने के बाद यहाँ पे ऐसे आएगा, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। और इस साइड का मार्जिन, जितना आपका मार्जिन यहाँ पे है उतना ही मार्जिन यहाँ पे रखना है, और एक्स्ट्रा जो मार्जिन है यहाँ पे ये इसी के साथ साथ इस तरीके से शेप में डाल देना है। ये देखिए हमने यहाँ पे शेप डाल दिया, ये हमारा यहाँ पे ऐसे आएगा। अब यहाँ पे आपने ध्यान देना है, ये हमने जो चौड़ाई रखी है यहाँ पे ये हमारी आधा इंच से भी एक पॉइंट कम है, तो इसी हिसाब से आपने इसको पेस्ट करना होता है जब हम कपड़े के ऊपर चिपकाएंगे। तो इसको चिपका लेते हैं हम कपड़े के ऊपर। तो ये देखिए हमने यहाँ पे ये पेस्ट कर लिया है, और इस तरीके से यहाँ पे आधा इंच का मार्जिन लेते हुए एक्स्ट्रा जो कपड़ा होगा वो हम काट लेंगे। के बाद चलेंगे हम मशीन पे और सीखेंगे इसको बनाने का तरीका। स्टिचिंग के लिए आ चुके हैं हम मशीन पे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे जो बाहर की साइड हमने आधा आधा इंच का ये मार्जिन छोड़ा है, तो इसको हम फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। कपड़ा फोल्ड करने के बाद अब यहाँ पे हम रखेंगे इस तरीके से फ्रंट के ऊपर, और गले के साथ साथ में इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे सेंटर का ध्यान रखें। अब हम यहाँ पे एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे इसको अंदर की साइड ऐसे फोल्ड करते हुए प्रेस कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे इस तरीके से नेक लाइन को सेट कर लिया है और प्रेस कर लिया है। आपका साइड का मार्जिन ये आप ध्यान रखें ये आधा इंच से ज्यादा ना हो, आधा इंच से एक पॉइंट कम ही रहना चाहिए। और यहाँ पे इस तरीके से नेक को सेट करने के बाद अब हम बैक वाला पार्ट इसमें जॉइंट करेंगे। तो बैक वाले पार्ट का हम सेंटर पॉइंट बना लेते हैं शोल्डर का। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने लगा लिया है कट सेंटर पॉइंट में, और एक साइड से हमें यहाँ पे ये जोड़ना है। तो इस तरीके से नीचे की साइड हम रखेंगे बैक वाला पार्ट, ऊपर रखेंगे यहाँ पे फ्रंट, और यहाँ पे कंधी जोड़ेंगे। आधा इंच का मार्जिन लेते हुए हमें यहाँ पे कंधी ये जोड़नी है। अब हम
इस तरीके से इसको एक साइड में ऐसे सेट करेंगे और यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। जो हमारा सेंटर पॉइंट है यहाँ तक हमें सिलाई लगानी है, ये ध्यान रखें। एक साइड जोड़ने के बाद अब हम यहाँ पे दूसरी साइड जोड़ेंगे। तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है इसी तरीके से हमें जोड़ना है। तो जितना हिस्सा हमारा यहाँ पे ये एक्स्ट्रा आया है इतना ही हमारा यहाँ पे ये वाला एक्स्ट्रा आएगा। तो यहाँ पे आप ध्यान दें, चाहे आप निशान लगा ले इस तरीके से करते हुए, यहाँ पे निशान लगा ले तो हमें आइडिया हो जाएगा, पता लग जाएगा कितना हमें एक्स्ट्रा है यहाँ पे है। और यहाँ पे इस तरीके से रखते हुए ये भी हम ऐसे जोड़ लेते हैं। मार्जिन वही लेंगे हम जैसा हमने दूसरी साइड का लिया है। दोनों साइड जोड़ने के बाद अब हमें इनको आपस में यहाँ पे जोड़ना है ऐसे। तो ये आपने यहाँ पे ध्यान देना है इस तरीके से, जो भी हमारा यहाँ पे सेंटर पॉइंट होता है उसी पे हम यहाँ पे इसको जोड़ते हैं। और जहाँ तक हमने सिलाई लगाई हुई है ये ध्यान रखें, सिलाई हमारी ऐसे आएगी इस तरीके से। कहने का मतलब है मार्जिन आपका बिल्कुल सीधा होना चाहिए जो भी कपड़ा होता है। हम एक्स्ट्रा जो मार्जिन होगा ये काट देंगे, आधा इंच का छोड़ना है। और यहाँ पे ये इस तरीके से इसको फिर से हम सेट करेंगे। जो बीच वाली सिलाई है इसको चीर लेंगे ऐसे, और चीरने के बाद यहाँ पे हमें सिलाई पूरी उतार देनी है। तो ये देखिए यहाँ पे हमने ये सिलाई को चीर लेना है और इस कोने पे यहाँ पे कट लगाना है इस तरीके से, और इधर भी कट लगाना है। ये इसलिए लगाया जाता है ताकि ये मार्जिन हमारा अंदर की साइड यहाँ पे आ जाए। तो ये मार्जिन अब हमारा यहाँ पे ऐसे आ जाएगा इस तरीके से अंदर फोल्ड होते हुए ऐसे। तो ये देखिए मार्जिन जो है हमने यहाँ पे अंदर की साइड डाल दिया है। अब हमें लगानी है यहाँ पे सिलाई। तो जितना हमारा ये बैक बैक साइड का एरिया होता है उसके ऊपर ही हम सिलाई लगाते हैं। तो ये देखिए बैक साइड की सिलाई हमारी इस तरीके से आ जाएगी यहाँ पे और ऐसे आ जाएगी। उसके बाद हमें यहाँ पे जो फ्रंट है यहाँ से स्टार्ट करनी है तुरपाई, और पूरे फ्रंट में हमारी यहाँ पे तुरपाई आ जाएगी। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे पूरे फ्रंट में तुरपाई कर लेता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पे तुरपाई कर ली है, और तुरपाई करने के बाद हल्के हल्के हमने ऊपर से प्रेस भी कर दी है, और पूरी नेकलाइन आप देख रहे होंगे कितनी प्यारी सी हमारी यहाँ पे सेट हुई है, और बैकग्राउंड भी पूरी आपको इस तरीके से राउंड में नज़र आएगी। ये देखिए यहाँ पे पूरी बैक साइड और ये फ्रंट, और पूरा डिज़ाइन आप देख ही रहे होंगे अल्टरनेक का बहुत ही प्यारा सा बन करके तैयार हुआ है। इस तरीके से आप भी एक हल्टर नेक बना सकते हो बहुत आसान तरीके से, जैसे मैंने आज आपको ये आइडिया दिया है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।